संबलपुर विश्वविद्यालय रे प्रश्नपत्र लीक पछरे कलाहांडी रो एक अनुदान प्राप्त कॉलेज रो प्रोफेसर कर रही हाथ या कहते संबलपुर विश्वविद्यालय रो वीसी घटना नहीं एफआईआर दिया जिवा सहित अधिक तदंत पाई साइबर थाना को वीसी चिठी लिखिसेंती संपुक्त कॉलेज रो प्रोफेसर और प्रिंसिपल को विश्वविद्यालय को डका जायछि आगो को नुआ प्रश्नपत्र रे परीक्षा हेबो बोली कहछन्ते वीसी आज युक्त 3 शेष वर्ष फिजिक्स प्रश्नपत्र लीक होइतला 2 दिन तले फिजिक्स प्रश्नपत्र वायरल होइतला किंतु वायरल प्रश्नपत्र प्रकृत प्रश्नपत्र बोली जना पड़िबा परे आज निर्धारित समय 10टा रे हेबाको थिबा फिजिक्स परीक्षा बातिल करा जायछि एबडा परीक्षा नियंत्रक कहछन्ते बातिल होइतबा परीक्षा आसंता 20 तारीख रे हेबो गतकाली एजुकेशन ऑनर्स प्रश्नपत्र लीक अभियोग होगा पर परीक्षा बातिल करा जायतला सकाळे वायरल होइतवा प्रश्नपत्र सहित मिसिथिला ओरिजिनल प्रश्नपत्र क्वेश्चन पेपर लीक होइतबा ने स्वीकार करिसेंती कॉलेज कर्तृपक्ष। तो वर्तमान समय संबलपुर विश्वविद्यालय रे जो प्रश्नपत्र लीक होईछि तार लिंक कलाहांडी वर्तमान समय आसीछि एवं वर्तमान समय जहाँ सूचना दि जाइछि जे वर्तमान अधिक तदंत पई साइबर थाना को वीसी चिट्ठी लिखिसेंती। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और एफआईआर भी हमने लॉन्च कराई है पुलिस को और क्राइम ब्रांच को, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा वो मेल के थ्रू भेजे रहे हैं वो हमारे सीओई को। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई वो क्वेश्चन पेपर जो लीक हो रहा है वो एक प्रिलिमिनरी फॉर्मेट में लीक हो रहा है, प्रिंटिंग के बाद लीक नहीं हो रहा। तो प्रिलिमिनरी फॉर्मेट में या तो एग्जामिनर के एंड पे लीक हो रहा है या जो हमारा सीओई यूनिट के अंदर जब वो जाता है वहाँ पे जो आदमी उसको हैंडल कर रहा है उसके एंड पे लीक हो रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे हैं, पुलिस की भी अब हमने एफआईआर कराई है ताकि हमारे साथ साथ पुलिस भी इस मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेट करे। और तीसरा आगे के लिए भी हम कुछ कदम उठा रहे हैं कि ये इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे एग्जामिनर्स हों उनको एक तो हम ध्यान से उनको असाइनमेंट दें और दूसरा पेपर जो भी हम सेट करवाएं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के ही सेट करवाएं। ऐसा कुछ हम आगे के लिए सोच रहे हैं, बट जो हुआ है ये काफ़ी गलत हुआ है। और जो आज का भी जो पेपर फिज़िक्स का लीक हुआ है ऐसा हमारा ऐसा सोचना है और विश्वास है कि जिस प्रोफेसर ने ये बनाया था वो कोई कलाहांडी कोई कॉलेज है एडिट कॉलेज उसका वो प्रोफेसर है। तो मैंने उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन की है कि उसके प्रोफेसर को उसके प्रिंसिपल को बुलाया जाए, क्योंकि वो एडिट कॉलेज है, हो सकता है कि वो किसी लालच के अंदर फंस गया हो। बट जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती अभी कुछ भी सही तरीके से बोलना गलत होगा। तो इतना ही मैं बताऊंगा कि हाँ जो हुआ है नहीं पुलिस का एफआईआर तो हमने क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सेट किया और जो प्रोसेस है उसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने दिया है, क्राइम ब्रांच को भी दिया है और साइबर क्राइम ब्रांच को भी दिया है। और हमने मेन पुलिस वालों को भी लिखा है कि भाई आप एक एफआईआर के तहत पूरी आप भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हमें रिपोर्ट दें कि ये गलती किस एंड पे हो।